नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, त्यौहार इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम हर माह नवग्रहों के जो राजा हैं सूर्य, उनके राशि परिवर्तन में के बारे में बात करते हैं। सूर्य हर माह अपनी राशि माह के मध्य की तारीखों के आसपास 15, 16, 17 के आसपास अपनी राशि बदलते हैं, एक से दूसरे में जाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। जब ये अपनी राशि बदलते हैं तो साथ में पूरा प्रभाव प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, मनोस्थिति पर पड़ता है। हमारे इस सूर्य से जो जुड़े परिवर्तन है उसके अतिरिक्त तो और ग्रहों के ऊपर भी हम बात करते हैं। आप चाहें तो YouTube पर जाकर हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं जो बहुत डिटेल में होता है। तो आज मैं आपके साथ, आप YouTube में जाके इसको बटन को प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ सूर्य का तुला राशि में जो प्रवेश होने जा रहा है 18 अक्टूबर 2019 को रात्रि 1:30 से लेके 17 नवंबर 2019 मध्य रात्रि 12:51 तक जो सूर्य का तुला राशि में प्रवेश है, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सूर्य तुला राशि में नीच गिने जाते हैं। जब भी सूर्य राशि बदलते हैं साथ में कुछ अन्य ग्रह भी राशि बदल सकते हैं या नॉर्मली बदलते देखे गए हैं, तो उनकी भी हम जब परिवर्तन की बात करते हैं तो सबका निचोड़ करके फलादेश हम सभी ग्रहों का इकट्ठा देते हैं। ऋतु विशेषता जो होती है सूर्य की होती है इसमें। अब अन्य ग्रह कौन से परिवर्तन कर रहे हैं इन 30 दिनों में। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि में चल रहे हैं, वो 28 अक्टूबर से 17 नवंबर के मध्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, वहाँ भ्रमण करेंगे। बुध 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, 23 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक वो वृश्चिक में रहेंगे, फिर 7 नवंबर से 17 नवंबर के मध्य रेट्रोग्रेड वक्रियों के तुला में आ जाएंगे। मंगल 17 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं, 10 से 17 नवंबर में तुला राशि में चले जाएंगे। परंतु सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो है गुरु का, देवग्रह गुरु। वर्ष में सिर्फ एक वार अपनी राशि बदलते हैं। इस वर्ष 5 नवंबर को वो पिछले एक वर्ष से वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे थे, वृश्चिक से अगले राशि धनु जो उनकी अपनी राशि है 5 नवंबर को उसमें राशि बदल लें और एक साल तक लगभग इसी में रहेंगे। हम हर लगन के ऊपर बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। लगन पे इसलिए बात करते हैं हम क्योंकि लगन हमारा उपाय जो भी हैं रत्नों के हों, दान पुण्य मंत्र इत्यादि, वो लगन आधारित हुआ करते हैं, लगन आधारित हुआ करते हैं। इसलिए हम आपसे आज सूर्य का जो राशि परिवर्तन कुंभ लगन में होने जा रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ऋतु आपका कुंभ लगन है या नहीं इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरा सूचना एक ज्योतिष से जुड़े सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें, इस प्रकार का चित्र आएगा। यदि ऊपर के सबसे ऊपर के बीच के खाने में 11 नंबर अथवा कुंभ या एक्वारियस लिखा था तो समझिए आप कुंभ लगन से जुड़े हैं। यदि आपको अपनी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है परंतु नाम के अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपका कुंभ लगन हो सकता है। नाम के अक्षर में आपको पढ़ भी देता हूँ। गु गे गो सा सी सु से सो तथा दा, ये है। अब जैसे मैंने कहा सूर्य का तुला राशि में प्रवेश, तो क्या इसमें साधारण रूप से हो सकता है। सूर्य सप्तमेशों के अष्टम से नवम भाव में जा रहे हैं कुंभ लगन में, जो कि कंपैरेटिवली लास्ट 30 डेज के बहुत अच्छा चेंज है। क्या होगा, लक थोड़ी सी अच्छी रहेगी, मैरिज के ऑफर्स अच्छे रहेंगे, मैरिज के मामलों में लकी रहेंगे, पार्टनरशिप्स के मामले में लकी रहेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद मिलने में लकी रहेंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलने में लकी रहेंगे, आपके तथा पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं थी उसमें ठीक रहेगा। पत्नी के साथ लव अव्यस में, पिता के साथ उच्च स्तरीय संबंधों में, अपने सुपीरियर्स के साथ, राजनीति में, सरकारी नौकरी में शुभ रहेगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा रहेगी, 28 अक्टूबर तक संभावना ज़्यादा है।
बच्चों के लिए समय अच्छा है, बच्चों के लिए समय अच्छा है, लेकिन यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हैं अथवा अन्य रीजन से भी बच्चों के बारे में 7 से 17 नवंबर के बीच उनका ध्यान रखना है, उनके केयर करने हैं। इसी समय में यद्यपि शनि ठीक जा रहे हैं, फिर भी अन्य ग्रहों के मिले जुले प्रभाव के चलते डॉर्मेंट एलर्जी यानी जो टाइम लेती हो, डायबिटीज़ शुक्र का ध्यान रखना, प्रोस्टेट मेल्स के लिए, आई साइट का, नज़र का और गायनी का, लीवर का, न्यूरो का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के मध्य। 5 नवंबर को जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, सो एक ही बड़ा अच्छा परिवर्तन है आपके लिए, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट धन की, संपत्ति की, किराए की, सोने जवाहरात की होगी। ये इम्प्रूवमेंट जो है आपके लिए वर्ष के जो सबसे अच्छे, पिछले कई वर्षों में जो 3 माह है, तो 17 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक ये सबसे अच्छे 3 माह आ रहे हैं, तो बहुत शुभ परिवर्तन बृहस्पति कारण होने जा रहा है। ऑल आउट इम्प्रूवमेंट, विवाह, संपत्ति, संतान, लव अफेयर, नया व्यापार, धन का बढ़ना, किराए का बढ़ना, सब कुछ होगा। 17 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर में मंगल अष्टम भाव में है, मांगलिक प्रभाव होगा, जीवन साथी या साधारण रूप से पार्टनरशिप्स में झगड़ा, पंगा होना, पुलिस कानून इनका ध्यान रखना, पेनल्टीज़ कभी कभार लग जाना, खान पीन पे नियंत्रण ना रहना, वाहन की गति पर नियंत्रण ना रहना, भावनाओं में बह के गलत भाषा का उपयोग, या चोट लगने पर घुटने, नी और शोल्डर एक्सीडेंट, विशेष करके यदि नीच सूर्य की, बुध की, शुक्र की, अस्त ग्रहों की, मंगल की दशाएं चल रही हों, सारसती चल रही हो, तो चोट लग सकती है, परंतु कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है बृहस्पति की वजह से। लाइफ थ्रेटनिंग में सिर्फ यदि आपकी एज जो है 70-80 वर्ष से ऊपर की है और आप पुराने गंभीर बीमारियों से गुजर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड, बोन्स की समस्या और मच्छरों के कारण डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा इत्यादि, थोड़ा बहुत योग जो है मंगल और सूर्य की कंबाइन स्थिति को देखते हुए हेड इंजरी का बनता है, परंतु वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी। अब इस माह में आने वाले 30 दिनों में जब जिसकी हम बात कर रहे हैं, 25 अक्टूबर को धनतेरस, 27 अक्टूबर को दीपावली होने से यदि आपने पहले कोई रत्न नहीं डाला तो आप इन 2 दिनों में रत्न धारण कर सकते हैं, चाहे तो नीलम, ये लाइफ टाइम रत्न होंगे, नीलम तथा हीरा या उसके स्थान पर सफ़ेद पुखराज, संतान इत्यादि क्रिएटिविटी के लिए पन्ना तथा ओवरऑल लाइफ टाइम धन के लिए, लाभ के लिए, संपत्ति के लिए, व्यापार के लिए पीला पुखराज, ये 4 रत्न हैं। इनमें से नीलम तथा हीरा अवश्य ही लाभकारक है, एज पर नीड आप पन्ना या पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। इन 30 दिनों में जैसी ग्रह स्थिति चल रही है सूर्य और मंगल इत्यादि की, तो मंगल बुध और सूर्य के दान करना, गुड़, लाल कपड़ा, मिश्री, मूंग और गेहूं, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं अपने यथा स्थिति अनुसार। अब मैंने ये साधारण आपको असर बताए हैं, अब कुछ डेट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो ध्यान रख लीजिए। 17-18 अक्टूबर के दोनों दिन अच्छे हैं किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए, नौकरी, धन, संतान, संतान के विवाह, घर निवास स्थान के लिए। 19 और 20 अक्टूबर में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना आज ठीक नहीं रहेगा। 21 से लेकर 24 अक्टूबर का समय सारा ही साधारण रूप से ठीक है, नॉर्मल रूटीन में लाइफ चलेगी, उसको चलने दें। 25 से 27 अक्टूबर में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न ले, जीवन साथी को लेके, नौकरी को लेके, यात्रा को टाल दें, इस प्रकार का समय होगा। 28-29 अक्टूबर का समय ठीक है यात्रा के लिए, अन्य प्रकार से ठीक है, इस समय भैया दूज इत्यादि भी आ रही हैं। 30 और 31 अक्टूबर का समय ठीक है किसी भी निर्णय के लिए, संतान से, माता पिता से, पूजा पाठ से, धार्मिक यात्राओं से, नए व्यापार से लिए। उसके उपरांत 1 से 2 नवंबर का समय लाभकारी है, चाहे तो कुछ निर्णय ले लें, परंतु यदि बहुत ही बड़े स्तर के आर्थिक निर्णय तो 5 नवंबर के बाद लें।
तीन और पाँच नवंबर में कुछ ना करें, पाँच नवंबर से लेके आप जो है 12 नवंबर तक कोई भी लाइफ के बड़े निर्णय ले सकते हैं, 13 और 14 तारीख को भी निर्णय ले सकते हैं, वो विशेष करके संपत्ति के लिए, संतान के लिए, माता पिता के लिए, इंटीरियर के लिए, वाहन के लिए, जवाहरात के लिए, नए व्यापार के लिए। 15 और 17 नवंबर के बीच में कोई भी निर्णय ना लें। अब कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिसमें जो है आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो मुहूर्त कुछ इस माह में बड़े अच्छे हैं, वो इस प्रकार हैं। नीम अथवा ग्रह आरंभ के लिए 30 अक्टूबर 8 तथा 14 नवंबर, ग्रह प्रवेश के लिए 30 अक्टूबर नवंबर 6 7 8 9 तथा 14, व्यवसाय आरंभ के लिए अक्टूबर 18 19 25 और 30 नवंबर 8 9 10 और 14, देवी की प्रतिष्ठा के लिए अक्टूबर 18 22 और 30 नवंबर 1 और 14, श्री गणेश प्रतिष्ठा के लिए अक्टूबर 19 24 25 30 तथा नवंबर 1 6 8 14 17 और 18। इसी माह में धनतेरस और धनवंतरी पूजन, भैया दूज इत्यादि, दीपावली पड़ रही है। दीपावली का हम पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, दीपावली में लक्ष्मी की स्थापना, लक्ष्मी पूजन के लिए, दीपदान के लिए, कौन सा समय कौन सा अच्छा मुहूर्त है वो इस प्रकार हो सकता है। प्रदोष काल का बड़ा अधिक महत्व है दीपावली की रात्रि में। 27 अक्टूबर को 5:40 से लेके 2:36 तक प्रदोष काल रहेगा, जो 8:16 तक रहेगा। मेष और वृषभ लग्न जो है वो पूजन के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेंगे। 6:42 तक मेष तथा उसके उपरांत 8:37 तक वृषभ लग्न रहेगा। कुछ लोग निश्चित काल पे भी पूरा फोकस करते हैं पूजन के लिए। निश्चित काल जो है ये रात्रि 8:16 से 10:34 तक रहेगा, तो आप ओवरऑल 5:40 प्रदोष काल से लेकर निश्चित काल जो है 10:34 तक इसमें पूजन पाठ कर सकते हैं। इसमें श्री सूक्त का, कनक धारा का, ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी स्तोत्र या भक्ति श्री विद्या के मूल षोडशी मंत्र का जाप करना, भक्ति के जो चिन्ह हैं जैसे श्री अंतर हुआ, दक्षिणवर्ती शंख हुआ, कौड़ी इत्यादि की स्थापना करना, सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ करें पूरे माह सिवा मांस मच्छी सिगरेट शराब, क्योंकि ये पर्व का महीना है। धन्यवाद, नमस्कार।